राधे की रसोई में स्वागत है। मैं बनाऊंगी आज गुड़ वाली खीर, मतलब कि चीनी वाली खीर। तो सभी बनाओ हैं, मैं थाने माता को भोग जो बने हैं बढ़िया गुड़ को वो दिखाऊंगी। ये मैं चावल ली हूँ, बारीक वाला चावल है, एक कटोरी चावल है, और यो 1 किलो दूध मेरे उबलने चढ़ रहा है। फिर दूध उबल जाओगे तब मैं चावल पूरा धो के बढ़िया से पोली से ढक कर और फिर थाना दिखाऊं कि मैं इका अंदर चावल डालूंगी। बहुत बढ़िया से उबल लियो है, 10 मिनट तक आधो वो है। अब मैं चावल डालती हूँ, अब चावल पूरा पकाना है इनके अंदर मध्यम आंच में। फूल चुके हैं दूध में और पक के तैयार हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें 1.5-2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। देखो पूरा चावल पिघल चुके हैं एकदम, अभी और पकाना है और पका के फिर मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूंगी। जब बनकर तैयार है खीर, मैं इनमें काजू बादाम और किशमिश डाल के और इन्हें लगभग 8-10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। उनके बाद गुड़ देने को तरीको बताऊंगी थाने, नहीं तो फर्स्ट में दूध दे दोगा तो फट सके खीर। अगर खीर चढ़ाते ही थे गुड़ दे दोगा तो खीर फट जाएगी और एकदम बेटेस्टी बनेगी, और ऐ तरीका से बनाओगे तो टेस्टी बनेगी। अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ, चेक करूँ मैं, गैस ने बंद करके छोड़ रखी ही। तो देखो कितना बढ़िया से दूध ने पूरा ने पी लिया है चावल। अब इक अंदर जो 200 ग्राम में इन्हें चावल डाला है 1 किलो दूध में और 200 ग्राम में इन्हें गुड़ डाल दी, और गुड़ डाल के थाना अब ये करना है एकदम मिक्स कर देना। जब तक गुड़ मिक्स नहीं होगा तब तक बराबर चलाना है इन्हें, आँच पे एकदम नहीं रखना है, ध्यान रहे इन चीज़ को, नहीं तो दूध फट के खीर को टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा। तो थाना बता दूँ कि मेरे चैनल पर अगर नया आओ हो तो सब्सक्राइब जरूर करया करो, और पुराना हो तो लाइक करना मत भूलिया करो, जरूर लाइक करया करो, अंगूठो दबाया करो थोड़ा सा। ये 2 इलायची को पाउडर बना के मैं इन्हें डाल चुकी हूँ और अब मैं इन्हें सर्व करूँगी ताकि इलायची की खुशबू आवे और बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनकर तैयार हो। ई तरीका से थे जरूर नवरात्रि में बनायो, मैं थाने पहले ही दिखाती हूँ बना कर, और ई तरीका से माँ का भोग लगाए एकदम रेडी है माँ को प्रसाद।